और चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और आपको देश की तीन तस्वीरें दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर योगाभ्यास किया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगाभ्यास किया है। तीन तस्वीरें आपके सामने। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तस्वीर हिमाचल के हमीरपुर में योगा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो आज पूरा विश्व 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और देश की अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तीसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां INS विक्रांत पर योग किया, वहीं योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में गोरखपुर में लोगों के साथ योग करते नजर आ रहे हैं। और हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिन्होंने योगाभ्यास किया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु रामदेव के साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश में भी जगह जगह योग दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी योग गुरु रामदेव के साथ हजारों लोग योगाभ्यास करते नजर आए। सिर्फ दो बार से लेकर के 10 बार तो सभी कर सकते हैं। दोनों हाथ के अंगुलियों को सिर के पीछे बांधें। योग से शरीर में अनुशासन आता है, अनुशासन शरीर का, अनुशासन इंद्रियों का, अनुशासन मन का, विचार भाव संवेदनाओं का। डिसिप्लिन्ड लाइफ हम जीते हैं योग से। डिसिप्लिन इन माइंड, डिसिप्लिन इन हार्ट, डिसिप्लिन इन एक्शन। वेदव्यास जी महर्षि पतंजलि के सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, योग समाधि, योग समाधानम। योग दिवस के मौके पर योग छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। और चलिए हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। हरिद्वार से शुभांग माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हैं, गुरुग्राम में जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त योगाभ्यास कर रहे हैं। आनंद पांडे, कितना खास ये मौका है लोगों के लिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 9वां है यह और जेपी नड्डा योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए और तस्वीरें दिखाइए आप। जी बिल्कुल, हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे गुड़गांव से। यहाँ पर आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ हरियाणा के मंत्री मौजूद है और यहाँ पर योग किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम किया गया था और अब जो यहाँ पर प्राणायाम का अभ्यास किया जाएगा। और आपको बता दें कि अभी गुरुग्राम में बारिश हो रही, बावजूद इसके यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी खासी तादाद में लोग योग कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पंडाल में पानी भर गया, बावजूद इसके जो योग करने वाले हैं उनकी जो उनका जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा और लोग जैसे भी संभव हो रहा है जगह बनाकर योग कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि योग से न सिर्फ स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है। और साथ ही साथ अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको खान पान के साथ योग भी जरूरी है। और ऐसे में अभी यहाँ पे प्राणायाम किया जा रहा है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे बीजेपी के जो तमाम सांसद वो भी मौजूद है, बीजेपी के या रासपा सांसद अनिल बलूनी मौजूद है और साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी के मीडिया सेल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। कोशिश यही है कि जो भारत की पहल पे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, जिसको शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद UN हेडक्वार्टर से लीड करेंगे, तो उसके जरिए एक मैसेज जाए कि ये भारत की प्राचीन परंपरा है और योग जो है भारत के जीवन के जीवन शैली में बसा हुआ है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने योग की शुरुआत की थी, उन्होंने बताया था कि कैसे स्वस्थ रहने के लिए हमको योग करना चाहिए। योग का मतलब होता है समन्वय, आपका अपने शरीर से समन्वय होना चाहिए, आपके आपके आसपास का पर्यावरण है उससे भी समन्वय होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आनंद पांडे, क्योंकि देखिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जिस तरह से भारत की एक बहुत बड़ी देन है, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच शिवांग माथुर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं। शिवांग, वो तस्वीरें भी हमने देखी
भी हैं। योग गुरु रामदेव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए वहां पर कितना खास आज योग दिवस आपको नजर आ रहा है और लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए इस वक्त हम पतंजलि योग पीठ के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा रामदेव ने ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में योग को पहुंचाया है। बाबा रामदेव को आप देख सकते हैं मंच पे और साथ साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो यहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही ये योग शिविर यहाँ शुरू हो चुका था। हजारों की संख्या में चारों तरफ आपको लोग दूर दूर तक नजर आएंगे। यहाँ चाहे सिख समुदाय के लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, हिंदू समुदाय के लोग हों, इसके अलावा बहुत सारे विदेशी सैलानी भी यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो यहाँ पे बाबा रामदेव के नेतृत्व में योग करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे योग शिविर लगाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर जो यहाँ लगाया गया है उसके अंदर हजारों लोग देश के कोने कोने से बल्कि यूं कहूँ कि पूरी दुनिया से पहुंचे हैं। जो लोग पतंजलि से जुड़े हुए हैं वो लोग तो योग कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो बाल योगी हैं वो भी लगातार यहाँ पे सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव को आप देख सकते हैं मंच पे लगातार कई वर्षों से वो योग करते आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने यही संदेश दिया है कि योग के जरिए ना केवल वो लोगों की मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ करने का काम करेंगे बल्कि देश से गरीबी हटाने का काम भी करेंगे और इसके जरिए वो रोजगार पैदा भी करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और हर जगह जो है बहुत ही एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव माहौल योगा को लेके दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में हम बाबा रामदेव से इस बारे में बात भी करेंगे। बार बार प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि प्रधानमंत्री आज यूएनओ के अंदर बिल्कुल और ये बेहद ही गर्व और हर्षोल्लास का भी विषय है जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री यूएन मुख्यालय में नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे योग कार्यक्रम का। और 4 तस्वीरें भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और शिवांग माथुर जो कि इस वक्त आपको दिखा रहे थे हरिद्वार से यहां पर योग गुरु रामदेव और उनके साथ पुष्कर सिंह धामी है और इसके अलावा आप योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं और स्मृति ईरानी को भी आपने देखा योग करते हुए।